यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आज 25 तारीख है, 25 तारीख जिसका सभी को इंतजार था, राजनेता से लेकर देश की आम जनता को, क्योंकि 25 तारीख को रिलीज होने वाली थी फिल्म पद्मावत। फिल्म पद्मावत रिलीज भी हो गई है और इसे लेकर माहौल शुरू से गर्माता आया है और आज भी विरोध प्रदर्शन जो है लगातार देखने को मिला है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसे भी देखा जाए तो दो पहलू इसके नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, हर किसी को अपने वोट बैंक की फिक्र है, हर कोई चाहता है कि जनता से भारी मत हमें मिले और हम एक अच्छी सत्ता बनाकर भारी सीटें जीतकर दोबारा से सत्ता बनाए या फिर सत्ता में आए, तो वोट बैंक को भी यहां पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। लेकिन अब बात की जाए राजनीति की, तो राजनीतिक रोटियां भी खूब इस आग में सेकी जा रही हैं, खूब घी डाला जा रहा है, क्योंकि पद्मावत को लेकर लगातार विरोध शुरू से किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन शुरू से किया जा रहा है। आज लेकिन पद्मावत रिलीज हो चुकी है। करणी सेना की बात की जाए तो करणी सेना के साथ साथ अन्य समुदाय थे, अन्य संगठन थे, जिन्होंने मिलकर पूरे तरीके से फिल्म का बहिष्कार करने का सोच लिया था और ये कहा था कि फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, तोड़फोड़ की जाएगी, आगजनी की जाएगी। लेकिन ये सब देखने को भी मिला, करोड़ों का नुकसान हुआ, इस नुकसान को भरेगा ये हम नहीं जानते। प्रशासन ने कह दिया कि हम पूरी कानून व्यवस्था करेंगे, जिस सिनेमा घर के मालिक को सुरक्षा चाहिए उसे पूरी सुरक्षा भी दी जाएगी। हरियाणा अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी सिक्योरिटी देने की बात की गई, क्योंकि पहले हरियाणा में फिल्म को बैन कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात ये सामने आ रही है कि 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर फिल्म को बैन कर दिया गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और गोवा। बड़ी बात क्या है कि चारों में बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी सत्ता में है, उसके बाद भी चारों राज्यों में फिल्म को बैन कर दिया गया है। हरियाणा में भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर आज फिल्म रिलीज होने के बाद भी नहीं लगाई गई, कई जगहों पर कई सिनेमाघरों के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं कि यहां पर फिल्म को नहीं दिखाया जाएगा। तो सीधे तौर पर असर ये देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक डर है सिनेमाघर के मालिकों में कि अगर हम फिल्म को लगाएंगे तो यहां पर तोड़फोड़ की जाएगी, तो इससे अच्छा इतना विरोध प्रदर्शन हो, इतना बवाल मचे, उससे अच्छा फिल्म को ना ही दिखाया जाए। गुरुग्राम में भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर आज फिल्म को रिलीज नहीं किया गया, पूरी 7,000 स्क्रीन्स पर फिल्म को रिलीज किया गया लेकिन गुरुग्राम में रिलीज नहीं किया गया है, हरियाणा के यमुनानगर में रिलीज नहीं किया गया है। साथ ही साथ वाराणसी से भी ताजा मामला सामने आया है जहां पर एक महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की, उसने खुद को आत्मदाह करने की कोशिश की क्योंकि वो चाहती थी कि फिल्म को ना दिखाया जाए। लेकिन अगर हम दर्शकों की बात की जाए, दर्शकों की बात करें तो कई दर्शक हैं जो फिल्म देखने के लिए पहुंचे सिनेमाघरों में, कम भीड़ देखने को मिली, लेकिन उनका कहना था कि फिल्म साफ सुथरी है, फिल्म में कोई ऐसा सीन नहीं दिखाया गया जिससे किसी भी राजपूत समुदाय को या किसी भी क्षत्रिय समुदाय को कोई ठेस पहुंचे, उनकी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचे। तो उनका यही कहना था, करणी सेना है या जो अन्य समुदाय है वो फिल्म को जाकर देखे ताकि उनको पता चले फिल्म में किसी तरीके की कोई भी ऐसा सीन नहीं है या कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं आता जब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। लेकिन दोबारा से उसी बात पर आती हूं कि राजनीतिक रोटियां यहां पर सेकने की कोशिश की जा रही है। सूरजपाल अम्बू को गिरफ्तार लिया जाता है कि जो प्रदर्शन है वो ना हो, माहौल ना बिगड़े। कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की ओर से जिस तरीके से कहा गया था कि सिक्योरिटी को टाइट रखा जाएगा, भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, वैसा किया भी गया, पूरी टाइट सिक्योरिटी दी गई है। लेकिन कल की अगर हम बात करें, बीती शाम की बात करें, तो हरियाणा रोडवेज को आग लगाने की घटना सामने आती है, एक स्कूल बस पर जिसमें बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उस पर अटैक किया जाता है। तो कहां तक माहौल जो है साफ सुथरा है या क्या कह सकते हैं कि कहां पर आम जनता की गलती है, आम जनता को क्यों खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, एक फिल्म है, फिल्म के चलते विरोध किया जा रहा है। देश में कई ऐसे मुद्दे हैं, राज्यों में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उठाया जाना चाहिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बीते दिनों की अगर बात की जाए तो हरियाणा में लगातार बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं, लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन उस मामले ने इतना तूल नहीं पकड़ा, वो मामला इतना उजागर नहीं हुआ, मामला उठता है, दबता है। लेकिन फिल्म पद्मावत को लेकर विरोध अभी भी जारी है, 25 तारीख है फिल्म रिलीज कर दी गई है 7,000 स्क्रीन्स पर, उसके बाद भी अब बड़ी बात यह है कि फिल्म रिलीज हो चुकी है, विरोध भी हो रहा है, अब कहां तक इंसाफ देखने को मिलेगा, क्या करणी सेना का विरोध यूं ही जारी रहेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां यूं ही उड़ाई जाएंगी।